सोलन में सब्जी विक्रेता अपनी मनमानी पर उतर आए हैं और नियमों को ताक पर रख सब्जियों को मनमानी कीमत पर बेच रहे हैं। हैरानी वाली बात यह है कि सोलन की सब्जी मंडी में जो रेट थोक के भाव फूटकर व्यापारियों को मिल रहा था, उससे तिगुनी कीमत पर बाजार में बेची जा रही है। खाद्य आपूर्ति विभाग के अधिकारी मानो कुंभकर्णी नींद सो रहे हैं, जिसका फायदा सब्जी विक्रेता उठाकर आम आदमी की जेबों पर डाका डाल रहे हैं। शहरवासियों ने सब्जी विक्रेताओं की मनमानी को लेकर रोष व्यक्त करते हुए कहा कि दुकानदार बिना किसी डर के सब्जियों को अधिक दामों पर बेचते हैं, जिस पर विभाग को सख्त से सख्त कार्यवाही अमल में लानी चाहिए, लेकिन विभाग मुनाफाखोरों पर कोई कार्यवाही अमल में नहीं ला रहा है, जिसकी वजह से उनके हौसले दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहे हैं और वह सब्जियां फल मनमाने दामों पर बेच रहे हैं, जो कि सरासर गलत है। सब्जी मंडी से चल करके यहाँ आम आदमी तक पहुँचती है, उसका रेट लगभग दुगना हो जाता है। अब यदि प्याज की बात लीजिए तो प्याज 30 रुपए किलो हो गया है, यदि आप मंडी में इसकी बात करेंगे तो शायद वहाँ पे 10 रुपए के किलो के हिसाब से मिल जाता है। टमाटर की बात करेंगे, टमाटर भी जो है आज 25 और 30 रुपया किलो बिक रहा है। मटर की बात करें, मटर भी 30 रुपया किलो बिक रहा है। सब्जी उगा रहा है, ये फायदा उस तक नहीं पहुंच रहा है, ये फायदा जो है जो बीच के लोग हैं उन तक पहुंच रहा है। क्योंकि जो व्यक्ति खरीदने वाला है हमारे जैसा, उसके लिए भी सब्जी के दाम बहुत बड़े हुए हैं, और जो बेचने वाला व्यक्ति है उसके लिए भी सब्जी के दाम बड़े हुए हैं। इसलिए ये कहना बिल्कुल जो है वाजिब होगा कि इतनी ज्यादा जो रेट्स हैं हमारे सब्जियों के, तो उसमें आम आदमी बिल्कुल पिस करके रह गया है। मैंने सब्जी खरीदी बाजार से, तो उसमें देखा कि मंडी में जो रेट है उससे बाजार में पहुंचते ही दुगने रेट हो गए हैं, और जो प्रशासन ने रेट लिस्ट लगाने की एक बात कही थी, किसी भी दुकान पे वो रेट लिस्ट नहीं देखी गई। जिसका जैसा दिल कर रहा है वो वैसे अपने रेट लगा करके सब्जी बेच रहा है, और घर का बजट ही खराब हो चुका है। रोजमर्रा की जिंदगी में जिन चीज़ों की जरूरत है उन्हीं चीज़ों के रेट इतने ज्यादा हैं, किस तरीके से उसको मैनेज करें बड़ा मुश्किल है।